हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे BTC को एंड साथ ही साथ हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज का मार्केट कैसे परफॉर्म करने वाला है, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो भाई कल तो काफ़ी अच्छा पंप आया एंड इस पंप को देख के मज़ा आ गया है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। कल का वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा तो मैंने वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर एक लॉन्ग पोजिशन ले सकते हो, लूना BNB पकड़ सकते हो 402 के आसपास या फिर 398 पे मैंने लॉन्ग किया, आप भी कर सकते हो। दीज आर द स्कैल्पिंग फॉर ट्रेड। ठीक है, ट्रेड जो है ना वो स्कैल्पिंग के लिए आप कर सकते हो। ओके, तो BNB काफ़ी अच्छा पम्प करा है, 420 के आसपास गया है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी प्रॉफिट हुई होगी अगर आपने वीडियो देखा होगा कल वाला। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सो चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि मार्केट आज कैसे परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, कल हमने एक्सपेक्ट करा था कि मार्केट के पास ये एक सपोर्ट है, अगर ये टूटती है तो ये तो आंख बंद करके लगेगा एंड 100% श्योरिटी है अगर ये सपोर्ट टूटा हम लोग 37,000 पे जाएंगे। ठीक है, अभी राइट नाउ मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड किया, ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस से इसको टेस्ट करा। हमने कल ये भी बात करी थी 1 आवर चार्ट के अंदर, मैं यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर बताता हूँ। मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से पंप करने वाली है, यहाँ तक जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम लोग नीचे गिरेंगे और नीचे आना स्टार्ट करेंगे, बट मार्केट ऊपर गया, नीचे आके टेस्ट करके धड़म से जो 2-3 कैंडल्स थी इसके अंदर तो मज़ा आ गया। ठीक है, जिन जिन लोगों ने लॉन्ग किए थे प्रीमियम के अंदर, हमने 2-3 कॉल्स लिए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं है तो ऐसा है। ठीक है, अभी क्या कर सकता है मार्केट, अभी मार्केट देखो ये एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस थी हमारे पास जो नहीं टूट रही थी। ठीक है, इसी पंप के अंदर ये एकदम टूट के यहाँ पे ऊपर सपोर्ट बना रहा है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो हम लोग बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ तक जाएंगे 41,400 के आसपास या फिर हम लोग 42,000 तक जा सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। एंड अगर इसको होल्ड नहीं करती है तो अगेन इसको टेस्ट करके हम लोग ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक देखो एक तरह का फेक आउट भी है कि एक मोटी सपोर्ट को टूटने के बाद मार्केट ने पंप लिया है। ठीक है, अच्छा फेक आउट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी जस्ट हमें वेट करना है, मे बी मार्केट हल्का फुल्का इसको टेस्ट करके ऊपर जाना स्टार्ट करे। एंड यहाँ पे कल वाले हमारे लॉन्ग अभी भी ओपन है एंड GMT कॉइन जिसने भी लिया होगा, जिस जगह से भी लिया होगा, अभी वो अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर है। ठीक है, तो अभी हमें मार्केट जो है लाइक लिटरली मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताता हूँ, अगर आता है नीचे तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट पकड़ सकता है 40,000 तक, फिर हम लोग ऐसे ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेट कर लेते हैं थोड़ा कंफर्मेशन का। बाय द वे कंफर्मेशन हो रही है कि यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट बना रहे हैं, तो आई थिंक हमें यहाँ पे एक छोटा मोटा लॉन्ग भी लेना चाहिए, बट ऑब्वियसली बात है मार्केट एट द सेम साइड, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। अगर कुछ ब्रेकडाउन होता है तो फिर शॉर्ट करेंगे, ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट। अब यहाँ पे हमको BNB, मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू BNB, लिटरली इनसेन। यहाँ कहीं से हमने इसको लॉन्ग किया था, यहाँ कहीं से कल, ठीक है, इतना बड़ा पंप आया है, वीडियो देख लेना, वहाँ पे हमने क्लियर बोला था। एंड इसी तरह दूसरे कॉइन्स भी हैं जिनको हमने अच्छा खासा पकड़ा है। ठीक है, सो दिस इज़ वाई आई एम लुकिंग बुलिश ऑन मार्केट। एंड रात को हमने प्रीमियम के अंदर ये चीज़ें बता दी थी कि भाई मार्केट के अंदर एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस मैं आपको शो करवाता हूँ। ठीक है, एंड जो जो ट्रेड्स हमने ली थी वो सारी ट्रेड्स भी मैं आपको शो करवाता हूँ। ओके, तो एडसेंस हमारा अप्रूव नहीं हो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, GMT कॉइन हमने पकड़ा था, इसको हमने इतने लंबे टाइम से पकड़ा था, मैं तो यहाँ पे जस्ट छोटे छोटे लॉन्ग ले रहा था, कभी 70% कभी 20% 30% में मैं एग्जिट कर रहा था। ठीक है, हमने ये कॉल काफ़ी पहले की ली हुई, मैं कॉल भी आपको दिखाता हूँ GMT कॉइन। फिर हमने कल ICP पकड़ा था, जब मार्केट 39,000 के आसपास था ना, वहाँ पे हमने ICP को स्पॉट के अंदर भी बाय करा था, लॉन्ग भी किया था, एल्गो कॉइन को पकड़ा था, अच्छा प्रॉफिट कमाया। ठीक है, RDO तो मैंने पर्सनली लगाया था, मैंने प्रीमियम के अंदर नहीं दिया था। ठीक है, तो ये हमारी कॉल है, देख लो, फ्री के अंदर भी मैंने दी थी एंड प्रीमियम के अंदर भी, लिटरली 6 टारगेट हिट हुए हैं, एक मोटा प्रॉफिट हुआ है, अराउंड एक बंदे ने तो $1,000 के आसपास कमा लिया था। ठीक है, उसका थोड़ा पोर्टफोलियो बड़ा था बट उसने अच्छा प्रॉफिट कमाया था। एंड इसी के साथ अक्रो रात को हमने लॉन्ग किया था, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 4-5-6 टारगेट हिट हो गए हैं,
तो ये हमने, ये देखो प्रीमियम का एक फायदा होता है, यहाँ पे हमने बताया था कि एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, ठीक है। बुलिश डाइवर्जेंस के अंदर पंप आने के ज़्यादा चांस होते हैं। देखो यहाँ पे 4 आवर चार्ट के अंदर आपको मार्केट नीचे गिरता दिख रहा है, बट RSI ऊपर साइड का, एंड जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ कहीं से, तो हमको एक बड़ा पंप देखने मिला था, एंड दैट्स इट। बहुत सारे लोगों ने एक मोटा मोटा प्रॉफिट कमाया हुआ, ठीक है। तो अभी जस्ट हमें थोड़ा वेट करना है, क्या ये सपोर्ट को होल्ड करता है। अभी तो होल्ड कर रहा है, तो आई थिंक यहाँ से अपसाइड मूवमेंट आनी चाहिए। अगर गिरता भी है तो हमको यहाँ तक या फिर यहाँ से अपसाइड जाना स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखना, हमने सारी अपडेट क्लियर कर दी है। अगर आपको प्रीमियम या फ्री ज्वाइन करना है तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्रीमियम छोटी मोटी फीस है तो आप देखे कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखना। बाय एंड टेक केयर।